जय हिंद दोस्तों, आज हमारे निःशुल्क एथलीट आर्मी एकेडमी के द्वारा आज हम हिल वर्कआउट पे आए हैं। जो पिछले हफ्ते का हमारा जो हिल वर्कआउट था उसमें हमने 150 मीटर के 15 राउंड कंप्लीट किए थे। इस बार इस हफ्ते हमारा वर्कआउट 200 मीटर के 10 राउंड लगाए हमने। 200 मीटर का राउंड लगाने के बाद में 1 मिनट का रेस्ट लेना है, यानी 200 मीटर ढलान ऊपर की ओर चढ़ना है, उसके बाद में नीचे आना है, 1 मिनट का रेस्ट लेना है, फिर से 200 मीटर की ढलान चढ़ना है। तो ऐसे करके 10 राउंड कंप्लीट किए। यदि आप भी इस तरीके का वर्कआउट करते हो तो आपका भी जो टाइमिंग है, जो 1600 मीटर के जो रेस होती है उसका टाइमिंग यदि आपका कम नहीं हो रहा है और यदि आपको टाइमिंग कमी करना है तो हमारे वर्कआउट को आप फॉलो कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और यदि आप हमारे एकेडमी में आना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर है 97-54-100-636 और 91-65-17-50-35 पर आप कॉल कर सकते हो और जानकारी ले सकते हो। आप इस हिल वर्कआउट को क्यों करते हैं, पिछली बार भी मैंने वीडियो में बताया था, इस बार भी आपको बता रहा हूँ कि आपके जो हाथ और जो पैर है, जो 1600 मीटर की दौड़ में 500-600 मीटर की दौड़ कंप्लीट करने के बाद में आपके हाथ पैर भर जाते हैं, एकदम से जाम हो जाते हैं। यदि उनको पूरी 1600 मीटर की दौड़ तक के फ्री रखने के लिए आपको ये वर्कआउट करना बहुत ज़रूरी है। आपकी जो ब्रीदिंग प्रॉब्लम है, जो सांस लेने में आपको दिक्कत होती है, किलोमीटर के बाद में आपकी सांस एकदम से रुक जाती है, सांस ली नहीं जाती है, आप किलोमीटर दौड़ने के पश्चात आप थका हुआ महसूस करते हो, तो ये सारी परेशानी को दूर करने के लिए आपको ये हिल वर्कआउट बहुत ज़रूरी है। यदि आपसे घर पर बराबर प्रैक्टिस नहीं हो रही है तो आप हमारे एकेडमी में आ सकते हैं। जय हिंद।